तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम लोग वापस अपनी रूटीन पे आ गए हैं। अब कल से इंशाल्लाह हम लोग डेली सुबह से व्लॉग स्टार्ट करेंगे। कल खैर जुमा हो सकता है मैं लेट स्टार्ट करूं, लेकिन वैसे हम लोग मॉर्निंग से ही स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ईद में हम जरा बिगड़ गए थे क्योंकि छुट्टियां थी, हमें पता था कोई काम काज तो है नहीं, तो सो जाते हैं आराम से। तो ईद तो गुजर चुकी है भाई लोग, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि वापस ड्यूटी पे जाना पड़ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी ईद, अल्लाह का शुक्र है। सिटी से बाहर नहीं गए कहीं, लेकिन वैसे दोस्तों वगैरह से मिल लिया, फैमिली के साथ एंजॉय कर लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी अल्लाह आप लोगों का भला करे। आज हमारी वैसे ऑफिशियल ड्यूटी थी नहीं, लेकिन हम लोग शरीफ एम्प्लॉयज हैं, हम लोगों ने सोचा कि ऑफिस चले जाएं, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं, जाके सूरत हाल देखते हैं। अगर तो काम ज्यादा हुआ तो फुल ड्यूटी करेंगे, नहीं तो हाफ ड्यूटी करके वापस आ जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। और बाकी आज ईद का चौथा दिन है, तो कुछ लोग ईद मना रहे होंगे और कुछ लोग हमारी तरह ड्यूटी पे जा रहे होंगे। तो खैर जो भी है ठीक है, इंजॉय करो, चाहे आप ड्यूटी पे हो चाहे आप ईद मना रहे हो, हम ड्यूटी पे भी ईद मनाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो बिना टाइम वेस्ट किए निकलते हैं ऑफिस, फिर देखते हैं आज का क्या सीन है। चलो हाँ जी, तो हमारे प्यारे दोस्तों सीन ये है कि अभी 12:30 हो रहे हैं, जोहर की अजान हो चुकी है और काम शाम का कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब कि कब तक हम ड्यूटी करेंगे अभी तक समझ नहीं लग रही। अभी तक हम इस सदमे से बाहर नहीं आ रहे कि हम ड्यूटी पे हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अभी लो जी आप लोगों से मैं बात ही कर रहा था वीडियो पे कि अभी अभी ईमेल आई है, रुको मैं ईमेल चेक कर लूं। हाँ जी, तो हमारे पास ईमेल आ गई है कि हमारे पास 18 शिपमेंट्स आ रही हैं, क्या बात है। तो सीन ये है कि हम लोग असर तक 4-5 बजे तक ड्यूटी कर लेंगे, फिर चले जाएंगे, बस यही सीन है। क्योंकि भाई ईद का चौथा दिन है, ये तो हमारी शराफत है कि हम लोग अपनी नींदें खराब करके काम पे आ गए हैं, नहीं तो बाकी ऑफिस बंद हैं, सारे ऑफिस नहीं खुले हुए। खैर कोई नहीं, चलता रहता है। तो अभी जाते हैं, जोहर की नमाज पढ़ते हैं, कुछ अल्लाह अल्लाह करते हैं। रमजान खत्म तो मतलब नमाजें वमाजें बंद? नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसे नहीं करना। आदत बनी है अच्छी रमजान में, तो पढ़नी है नमाजें भाई, इंशाल्लाह चलते हैं। हाँ जी, तो हमारे प्यारे दोस्तों सीन ये है कि अभी हो रहे हैं 1:45, हम लोग 15 मिनट लेट हो चुके हैं क्योंकि 1:30 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है। नहीं कोई बात नहीं, अगर लेट आ सकते हैं तो लेट जा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। और प्लान थोड़ा चेंज हो गया है, पहले हमने सोचा था हाफ ड्यूटी करेंगे, लेकिन अब फुल ड्यूटी करेंगे क्योंकि वेयर हाउस वाले फुल ड्यूटी कर रहे हैं। हालांकि लास्ट डे उन लोगों ने छुट्टी मारी थी और हम लोग ड्यूटी पे थे, लेकिन हम लोग शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, तो हम लोग ड्यूटी पूरी करेंगे। तो इस वजह से हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम अभी जाएंगे और फिर असर के बाद 4:30-5 बजे तक आ जाएंगे, और फिर हम लोग ड्यूटी कंप्लीट करेंगे अपनी 9 बजे तक, मतलब इशा तक, और फिर चले जाएंगे। तो अभी निकलते हैं हम लोग, अब रमज़ान तो ख़त्म हो गया है, डायरेक्ट इफ्तारी पे तो मिल नहीं सकता मैं आपको, तो वापस ड्यूटी पे मिलेंगे, या कोई और सीन हुआ तो वहां पे मिलेंगे। अभी कोई खास सीन नहीं है तो निकलते हैं पहली फुर्सत में, चलो। Later. हाँ जी, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ओह सॉरी शर्ट पहन लो एक मिनट। अरे प्यारे दोस्तों सीन ये है कि अभी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी खा लिया है, असर की नमाज भी पढ़ ली है और रेडी हो गए हैं, तो वापस चले हैं अपने काम पे। अब हम जा रहे हैं ऑफिस, तो उधर जाते हैं, काम शाम करते हैं और वहीं पे मिलते हैं आपसे डायरेक्ट। चलो हाँ जी, तो हमारे प्यारे दोस्तों अभी ये सीन है कि अभी मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी
अभी अभी नहीं, मतलब थोड़ी देर पहले पढ़ के आया हूँ। अभी 7:35 हो रहे हैं और 1 घंटे तक इंशाल्लाह हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि मेहमान भी आ रहे हैं घर। दरअसल सिस्टर आई हुई है ना रियाज से, आपको बताया था, तो वो चली जाएंगी कल तक, तो उनकी दावत है आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ, तो उनके साथ कुछ टाइम गुजारूंगा। तो अभी कुछ काम बचा है ऑफिस का, और कुछ मुझे कल का व्लॉग भी एडिट करना है और अपलोड भी करना है, तो ये काम खत्म करके दोबारा आता हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक तो मुझे लेनी पड़ेगी वैसे, आप लोगों को नहीं लेनी पड़ेगी, आप लोग यहीं पे रुको, अभी आया। हाँ जी, तो हमारे प्यारे दोस्तों, सीन ये है यार कि अल्लाह आप लोगों का भला करे, अभी ईशा की अजान हो गई है तो निकलते हैं, ऑफिस वगैरह क्लोज करते हैं। और बहुत बैड सीन है, बैड सीन ये है कि यार गले में बड़ी दर्द हो रही है, शायद रमजान में रोजे रख रख के, ईद आई है तो एकदम से ठंडी चीजें खाई हैं या कुछ ठंडा ठंडा पी लिया है, पता नहीं, लेकिन बहुत दर्द हो रही है गले में, तो देखते हैं कुछ इलाज करते हैं इसका। हालांकि मैं तो इतना चिल्लाता भी नहीं हूँ यार अपने व्लॉग्स में, लेकिन फिर भी गले में दर्द हो रहा है। और बाकी कल का जो व्लॉग था उससे मैंने ऑलमोस्ट एडिट कर लिया है, कुछ चीज़ें बाकी है वो एडिट करके तो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। तो बाकी घर जाके देखते हैं कि क्या सीन है, मेहमानों का वेट करना पड़ेगा या वो मेरा वेट कर रहे होंगे, पता नहीं, अभी घर से कोई कॉल तो नहीं आई, लेकिन हम लोग अपनी तैयारी पकड़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है। A few moments later. हाँ जी, तो मेरे प्यारे दोस्तों, यार सीन बड़ा ऑफ है, तबीयत बहुत खराब होती जा रही है मेरी। अभी तकरीबन 10 बजने वाले हैं, मैं 9 बजे से आया हूँ ऑफिस से, तो मैंने सोचा था सिस्टर के साथ थोड़ी देर बैठ जाऊंगा, थोड़ी गपशप हो जाएगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं नहीं मिल पाऊंगा यार। मेरी तबीयत मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और गले में बहुत दर्द हो रही है। तो अभी मैंने सिस्टर को बोला है कि मुझे चाय बना दे, तो मैं उसके साथ चाय पापे ही खा लूँ और कोई गोली शोली खा के पैनाडोल की सो जाऊँ मैं, क्योंकि सुबह जुमा है, फिर जुमा पढ़ने भी जाना है, अल्लाह का शुक्र है कि ड्यूटी नहीं है, तो आराम करेंगे इंशाल्लाह। आई होप के तबीयत सही हो जाए, तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना। आई होप कि जब तक वीडियो आए तब तक मैं ठीक हो चुका हूँगा। और वैसे मुझे पता नहीं है यार, बिल्कुल बोलने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन व्लॉग अधूरा रह जाता, जो कि कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी बोलते हैं कि जब इंसान पे बीमारी आती है, कोई मुश्किल आती है, तो उसके कोई गुनाह शुना झड़ जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अगर ऐसा है तो हो सकता है यार कि कोई गुनाह शुना ही कम हो जाए, अभी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। खैर, अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।